तो गाइस ये है भाई सबसे अल्टीमेट चीज़ जो बादलों में चलने वाली चीज़ है। अभी हम भी पूरा ये ऊपर से ही आए हैं चल के पूरा। तो गाइस फाइनली बारी आ चुकी है इसको देखो। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हैं और ये अब जाने वाली है ट्राम और हमारी अगली आने वाली है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो प्रणाम और मेरी धर सेना को धर भाई की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सम्मान। तो गाइज आज है 20 नवंबर, एक दिन बचा है एनिवर्सरी में। और अभी आप जानते हैं अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो कल का ब्लॉग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है मैंने, वहां से देख लीजिए। आज हमारा डे टू है सिंगापुर में, क्योंकि जिसने कल का ब्लॉग देखा होगा उसको पता है हम सिंगापुर में, जिसने नहीं देखा होगा वो ज़रूर कल का पहले देख लेंगे फिर आज का देख लेंगे, वरना आज का पहले देख लेना फिर कल का देख लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, पर देखना ज़रूर भाई। धर भाई को ना मोटिवेशन मिलती देखने से। तो आज हम जा रहे हैं भाई, अभी फ़िलहाल नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से रिवर क्रूज़ के लिए जो कि है क्लार्की कुएं पे। तो मिलते हैं आप सीधा आपसे वहीं पर हम क्लार्की कुएं पे। तो गाइस फाइनली वी आर हेयर फॉर सिंगापुर रिवर क्रूज़। और हम पता कहाँ पे हैं, जहाँ पर्स होते हैं, देखो क्लार्की कुएं सेंट्रल, ये सारा क्लार्की कुएं कलम यहीं पर, देखो कितना भरा हुआ था रात को, ये लेन पूरा सारी लेन भरी हुई थी है। तो गाइस ये पर्चे मिले हैं, दो पर्चे का मतलब टिकट मिली है वैलिड फॉर वन पर्सन। तो अब हम ये जाने वाले हैं, 10:45 होने वाला है, 5 मिनट बाद हम यहाँ से बोर्ड करने वाले हैं अपनी बोट। तो गाइज फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी क्रूज पे और ये देखा धर भाभी और क्या ही नज़ारे हैं भाई। अब चलने वाली है क्रूज और मज़े आने वाले। कैसी लगी ये क्रूज? बढ़िया, मजा आ रहा है बहुत, है ना, मस्त एकदम बर्थ। मौसम भी अच्छा है वैसे यार, मरीना बे, सिंगापुर फ्लाइर, मोर लाइन सब दिखता है यहाँ से भाई। और अल्टीमेट लास्ट टाइम मैंने रात को की थी, इस बार मैंने दिन में करी है, तो मेरे दोनों एक्सपीरियंस हो गए। और सच बताऊँ रात का अलग मजा है क्योंकि लाइट होती है और अभी का अलग मजा है क्योंकि दिन में आ गया मजा। भाई ये जो क्रूज होती है ना बड़ी ही स्मूथिंग होती है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स कर देती है एकदम मस्त। तो भाई सिंगापुर आके तो मस्त है ये क्रूज, कोई भी धर सेना में से आए तो क्रूज ज़रूर करना भाई। टाइमिंग इसकी 11 बजे शुरू हो जाती है, आई थिंक 10 से हो जाती है, 40 मिनट्स की राइड होती है। टिकट हमने केलुक से ले लिया था, केलुक एक साइट है तो उससे काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो टिकट को। बाकी अब हम जा रहे हैं मरलाइन और फिर जाएंगे मरीना बे सैंड्स। गाइस एक चीज़ ना मैं बड़ी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर तुमने ये कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोई भी लेनी है, वैसे हम पीते नहीं है, गर्मी है थोड़ी सी ले ली, तो भाई लोकल शॉप से ले लेना, $15 की दो स्प्राइट, समझ रहे हो, 700-800 रुपये की दो स्प्राइट मिल रही है, तो वाई टू वेस्ट मनी, बिना बात के क्यों करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ रेस्टोरेंट से कभी परचेज मत करना ये सब चीज़ें, शॉप से ले लेना चलते फिरते अगर लेनी हो तो। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मरलाइन। ये देखो भाई सिंगापुर की ना सबसे खासियत यही है मरलाइन। हाँ अभी यहाँ पर फोटो खिंचवाएंगे। तो ये है आपका मरलाइन, सामने मरीना बे और ये रहा मरलाइन। भाई दुनिया इधर ही आती है फोटो खिंचवाने के लिए।
अभी हम भी थोड़ा सा फोटो खींच लेंगे, और फोटो वोटो देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे देख लेना भाई, श्वेतांश इंडिया सामने नाम आ रहा है, क्लिक करके खोल के देख लो। गाइस वो रहा मरीना बे सैंड्स, और हम जा रहे हैं उसके डेक पे बिल्कुल टॉप पे। और यहाँ देखो नेचुरल फैन, मतलब पता नहीं कैसे है, मतलब नीचे आके ना हवा बड़ी सही आती है यहाँ पे। तो भैया अब तुम्हें व्यू दिखाने वाले हैं हम सिंगापुर का, वहाँ टॉप पे जाने वाले, वहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे, ये सारा कुछ अल्टीमेट एक्सपीरियंस आने वाला है भाई। तो गाइस मरीना बे के डेक पे अभी जाएंगे, उससे पहले मेरी बीवी ने मुझे बोल दिया है कि हम मॉल जाएंगे, और ये देखो कैसे खुश हो रही है मॉल के नाम से। और हम आ गए हैं शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स, ये बोला जाता है दुबई से भी अच्छा मॉल है, दुबई मॉल से काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी एक्सपेंसिव मॉल है, पर हमें क्या है, मेरी इधर ओ सॉरी आपकी इधर भाभी वैसे इतनी अमीर है, दिलवा देगी मुझे कुछ एनिवर्सरी पे, है ना? ठीक है ना, चलो वीडियो भी बनाना, क्या लेना है? चलो चलते हैं मॉल के अंदर भाई। भाई इतना प्यारा मॉल सजा रखा है ना क्रिसमस के चक्कर में, मतलब कहीं भी देख लो क्रिसमस और लाइटनिंग का, बिल्कुल बहुत ही प्यारा है, देखो कितना सही लग रहा है। गाइस देखो ये मॉल के अंदर है भाई, वेनिस बना रखा है प्यारा सा, और सारी ऐसे मतलब बोट्स चल रही है, नीचे पानी है पूरा, और ये मॉल भाई अल्टीमेट फन है भाई काफ़ी। तो गाइस दिस इज द वे टू होटल एंड स्काई पार्क, है ना? होटल देखो यार हमारे ऊपर है बिल्कुल भाई, कितना ही मस्त है यार ये। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सैंड स्काई पार्क। तो गाइस वी आर ऑन द लिफ्ट, 56 फ्लोर पर जाने वाली है, सो दिस इज द व्यू गाइस, ये देखो, ओ भाई साहब भाई 56 फ्लोर पे है ऊपर, 56 फ्लोर गाइस, वी आर ऑन द टॉप 56 फ्लोर मरीना बे सैंड्स, जो ऊपर से दिखता है ना मरीना बे सैंड्स का, ऐसे जो पूरा स्पेसशिप सा होता है भाई, उसके ऊपर टॉप पे खड़े हम बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे। ये देखो बाहर व्यू देखो, इसको कैसी फील आ रही है, कितनी खुशी कितनी खुशी। तो गाइस फाइनली हम है गार्डन्स बाय द बे में, और ये भी ना सिंटोसा की तरह एक पूरा मतलब गार्डन टाइप आइलैंड टाइप को बना दिया है। सामने आपका ये है मरीना बे सैंड्स, और यहाँ पे है मैप, तो हम मैप पढ़ लेते हैं हमने कहाँ कहाँ जाना है भाई पहले। तो गाइस ये एंट्री है क्लाउड फॉरेस्ट की, जो डोम है वो ऊपर है और क्लाउड फॉरेस्ट ये है। ओ वाओ भाई, कितनी ऊपर से ना कितनी मस्त हवा और पानी आ रहा है। अगर गाइज ये प्लेस मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट भाई, जरूर आना यहाँ पे, दिल खुश हो जाएगा। वो देखो ऊपर भी लोग चल रहे हैं, वो सारा ऊपर दिख रहा है, चलने का रास्ता है पूरा। गाइज गाइज अब है मेंचिस क्लाउड वॉक, अब देखो तुम जगह, लुक एट दिस गाइज, हम इतना ऊपर वो नीचे से आए हैं बिल्कुल नीचे से, और ये क्लाउड वॉक मतलब क्लाउड ने यहाँ पे वो चल रहा है, ऐसा लग रहा है स्मोक छोड़ा हुआ है पानी के साथ, कितना सही फील आ रहा है। तो गाइज ये है भाई सबसे अल्टीमेट चीज़, जब बादलों में चलने वाली चीज़ है, अभी हम भी पूरा ये ऊपर से ही आए हैं चल के पूरा, और अल्टीमेट एक्सपीरियंस है भाई, ये मस्ट विजिट जगह भाई, ये क्या एक्सपीरियंस है ये भाई, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। अब देखो हम कहाँ घुसने वाले हैं, ओह माय गॉड, ये देखो
भाई साहब करो करो भागो भागो ना उसको भागो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते क्या मन कर रहा है बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है बिल्कुल मूवी के सेट में हम घूम रहे हैं भाई मस्ट विजिट प्लेस मस्ट विजिट क्लाउड फॉरेस्ट बाकी करो ना करो गार्डन्स ऑफ बाय द बे में क्लाउड फॉरेस्ट जरूर करना यार मजा आ जाएगा तो गाइस अब जा रहे हैं हम फ्लावर डोम में जो कि पार्ट है ये भी इसका तो गाइस ये है फ्लावर डोम के एंट्रेंस के बाद की जगह हाय 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 कितना सुंदर है यार जो आंखें जस्टिस कर रही है ना पता नहीं कैमरा कर पा रहा है नहीं होगा तो गाइस फाइनली हमारा फ्लावर ब्लॉसम भी ख़त्म हो चुका है और हमारा क्लाउड जो था वो फॉरेस्ट फ्लावर ब्लॉसम मैं बोलूँगा आपकी मर्जी अगर आपको फुल फुल पसंद है तो आप आइए बिल्कुल बट क्लाउड फॉरेस्ट इज़ अ मस्ट विजिट गार्डन्स बाय द बे ज़रूर आना क्लाउड फॉरेस्ट करने तो बाकी आपकी मर्जी है तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा होटल में रेस्ट करने के लिए क्योंकि शाम को हमारा जंगल सफारी है स्टे ट्यून्ड अब मिलेंगे आपसे सीधा हम जंगल सफारी के टाइम पे 2000 years later Hi guys. तो फाइनली गाइज हमने एक पावर नैप ले लिया है और अब हम निकलने वाले हैं कहाँ पे अपना नाइट सफारी के लिए बिल्कुल एंड वाला एक हमारा चीज़ बची हुई है जो कि रात में की जाती है अभी बज रहे हैं 6 सिंगापुर के तो बस अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं आधे घंटे में पहुँच जाएंगे नाइट सफारी के लिए 7:45 हमारा टाइम है और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे वहाँ पर क्या चीज़ है पूरा दिन आज बड़ा मस्त गया आप सब कुछ देख चुके हो सिर्फ यही बचा है ज़रूर देखना और कल जो व्लॉग आने वाला है बहुत ही मस्त आने वाला है क्योंकि हम सिंगापुर से मलेशिया बाय बस करने वाले हैं तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना बाकी अभी चलते हैं हम नाइट सफारी वे टू सिंगापुर जू रिवर वंडर्स नाइट सफारी हम जा रहे हैं नाइट सफारी में तो गाइस यहाँ से आप जा सकते हैं सफारी ट्रेल्स एंड यहाँ से आपका ट्राम का तो लाइन देख सकते हो आप भाई हमेशा यहाँ बहुत भीड़ होती है और अभी वही हाल है कम से कम एक दो घंटा एक डेढ़ घंटा लगता है यहाँ पे तो 7:45 हमारी टाइमिंग थी बट हम आ चुके हैं 7:45 फिर भी बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे मतलब क्राउड देखो आप कितना है तो गाइस उस भीड़ से निकलने के बाद यहाँ पे ट्राम सामने खड़ी है और ट्राम के साथ साथ भीड़ भी है तो इसके बाद हमारा नंबर आने वाला है फाइनली वी आर ऑन द ट्राम गाइस ये नाइट सफारी है जैसा आप देख सकते हो बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको वीडियो में बट अभी हम प्रॉपर उस पर चल रहे हैं फाइनली गाइस हमारी ट्राम खत्म कैसा लगा चलो अब चलते हैं तो गाइस फाइनली हमारा शो नाइट सफारी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे ना एक शो होता था क्रिएचर्स ऑफ द नाइट या कुछ करके सफारी नाइट शो होता था काफ़ी प्यारा शो था लास्ट टाइम मैंने देखा था तो अनफॉर्चुनेटली वो इस बार बंद था तो हम निकल चुके हैं अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने होटल तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मैकडी के अंदर अब अपना एक छोटी सी मील करने वाले हैं रात के लिए कुछ पैक कराएंगे रात के लिए कुछ पैक करा के अपना यहाँ से निकलेंगे होटल की तरफ फिर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगा और फिर हम सो जाएंगे क्योंकि सुबह उठना है भाई और जाना है मलेशिया तो ब्लॉग को ना मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ अब बहुत हो चुका है भाई थक भी गए हैं दो दिन से इतना करे जा रहे हैं तो लास्ट ब्लॉग भी देख लेना और कल का जो ब्लॉग आने वाला है मलेशिया वाला वो भाई ज़रूर देखना सिंगापुर टू मलेशिया बाय बस तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और भाई सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना। घंटा दबाते हो तो घर भाई की वीडियो सबसे पहले कब आती है आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ऐसे ही दुआ में याद रखना। गुड बाय। So